एक जिज्ञासा है कि 68 शून्य क्या है। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ता ऊपर बैठाऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ता ऊपर बैठाऊंगा। अच्छी जिज्ञासा है, एक बार ताली तो बजनी चाहिए। अड़सठ का देखिए, 68 का खेल बड़ा निराला है। हाँ, 68 को अगर एक शब्द में कहा जाए तो क्या है 68? 68 मतलब प्रकृति का सारा जितना कार्य है, व्यवहार है, वही 68 है। मैं तो इनसे पूछ रहा था, इन लोगों का कितना अध्याय है स्वर वेद में, ओहू में 68 है गो बा। गिना गिना धरने पर गिना गिना देखा कहो गो बा। अड़सठ आई है में षष्ठ मंडल लेके, इसमें भी 68 है। क्या अर्थ है सदगुरु का, क्या कहना चाहते हैं सदगुरु, सदगुरु देव क्या संदेश देना चाहते हैं ईश्वर वेद के द्वारा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ता ऊपर बैठाऊंगा, एक एक अध्याय से मैं ऊपर ले चलूंगा साहब। 68 को बा गिना है बाबू, गिना गिन प्रथम मंडल से लेके पंचम मंडल ले, अब फिर षष्ठ मंडल 68 आई। 68 शून्य को शून्य क्यों कहते हैं यह भी जिज्ञासा है, क्योंकि शून्य में ही ये सारी सृष्टि समाई है। 5 प्रकार के शून्य हैं। 68 मतलब प्रकृति है साहब, और इसी 68 से, इसी प्रकृति के मंडल से छोड़ाने वाले, छोड़ावन हार हमारे अमर सदगुरु हैं, और उन्होंने ये अमर महानतम सद ग्रंथ स्वर वेद हम सबों के लिए दे दिया है सहज रूप से। 34 व्यंजन और 12 स्वर हैं, 4 गो वाणी, 3 संयुक्ताक्षर, 10 अनहद और 5 शब्द। इसमें स्वर है, इसमें व्यंजन है, इसमें 4 प्रकार की वाणी है, 10 प्रकार के अनहद हैं, 5 शब्द हैं इसमें। इसी को हमारे सदगुरु देव ने 68 कहा है। 68 मतलब बस ये समझ लीजिए, ये तो गिना दिए, गिनना भी कोई जरूरी नहीं है आपके लिए, बस आप समझिए 68 मने प्रकृति। बस हे प्रकृति जितला बा आ वही का लाभ 68 68 गो बा। इसमें वाणी है, इसमें शब्द है, स्वर है, व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है, 10 प्रकार के अनहद जो बज रहे हैं, है ब्रह्मांड में बाजा बज रहा है, ये सब प्रकृति मंडल में ही तो है। चलिए भजन सुनाइए तब। प्रियतमरहमिया
कुंद झरे सागर के अमृत भरिया बिना सीप के मोती संत जवाहिर पारत कीना संत जवाहिर पारत कीना कुंद झरे मरहमिया अमीरस बुंद जरे